हरिद्वार में बोले अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड में सरकार बना दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। नौसेना को मिला INS विशाखापट्टनम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अब हम आत्मनिर्भर बन रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू, तय होगी किसान आंदोलन की आगे की राह। नए कैबिनेट की शपथ से पहले बोले सचिन पायलट, आलाकमान ने कमियों को दूर किया। राजस्थान के राज्यपाल का बड़ा बयान, अभी समय अनुकूल नहीं, दोबारा लाया जा सकता है कृषि बिल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज वो लखनऊ में चल रहे DGP सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पुलिस सुधार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP, सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख मौजूद है। सम्मेलन में साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद से पैदा हुई चुनौतियों, वामपंथी उग्रवादी और जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी इस सम्मेलन में शनिवार को भी शामिल हुए थे। तो सम्मेलन में पीएम मोदी आज भी शामिल होंगे और आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। और बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे थे। और इस कार्यक्रम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP, सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र पुलिस संगठनों के प्रमुख भी मौजूद हैं। और सम्मेलन में साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद से पैदा हुई चुनौतियों, वामपंथी उग्रवादी और जेल सुधार सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मंथन किया जा रहा है। देश में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश जो है उसको पूरा करने की जो कोशिश है उसको किया जा रहा है। साथ ही इसमें खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया और आज इसका आखिरी दिन है जिसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और पीएम इस सम्मेलन में शनिवार को भी शामिल रहे थे। तो दो दिन के लिए जब ये कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो इस सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही जनता की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से जो व्यवस्था है उसको और अच्छा बनाया जा सके और ताकि जो आतंकवाद है हमारे देश में उसको खत्म किया जा सके, जो कमियां हैं कानून के, जो भी दिक्कतें हैं उसमें सुधार लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे। सीएम योगी रविवार शाम 5 बजे मानबेला पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत GDA द्वारा बनाए गए आवासों का लोकार्पण कर लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। मानबेला में 1488 आवासों का निर्माण कराया गया है। 500 में आवंटी प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री करा सकते हैं। 14 मकानों का आवंटी किया जा चुका है और इस योजना के तहत बने मकानों की कीमत 4.5 लाख है। इसमें 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से जबकि 2 लाख आवंटी को देना होगा। साथ ही GDS आवासीय परिसर को फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। तो इन सुविधाओं के साथ बड़ी योजना लाई जा रही है। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, लाभार्थियों को घर की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तीर्थधाम बटेश्वर मुख्य ब्रह्मलाल शिव मंदिर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिंदम सिंह भदावर ने परंपरागत पूजा की। सैकड़ों साल पुरानी, पूर्वजों से चली आ रही कार्तिक दौज तिथि पर भदावर सियासत के वंशज ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम भगवान की पूजा करते हैं। भदावर सियासत के वंशज राजा
अरिंदम सिंह को मुख्य मंदिर में पुजारियों ने विधिवत पूजा करवाई। शिवलिंग पर मंत्रोच्चारण के साथ सवा मन चढ़ावा चढ़ाया और साथ ही पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई गई। अरिंदम सिंह जी ने इसकी 1646 में मरमलाल जी महाराज बटेश्वरनाथ की स्थापना की थी, तब से हमारे परिवार में ये परंपरा बन गई है कि जो भी राजा होगा ध्वज की पूजा पूर्णिमा के बाद जो ध्वज आती है उसकी पूजा परंपरागत तरीका से सवा मन चावल और 101 दीप जलाकर पहली पूजा जो बदावर का राजा होगा वही पूजा प्रथम पूजा करें। बलिया के रसड़ा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर बीएटेक 2011 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि भाजपा नेता सावरकर के बच्चे हैं और हमेशा मानते हैं। आगे बसपा पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने भाजपा की जीत के पैसे बांटे थे और भाजपा को चुनाव जीतने के लिए बसपा भाजपा का अंदरूनी गठबंधन भी हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तुलना महात्मा गांधी से की गई। अयोध्या में प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव की तुलना महात्मा गांधी से कर डाली। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से देश की आजादी को लेकर महात्मा गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी, उसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लाखों की संख्या में अखिलेश यादव के समर्थन में भीड़ उमड़ी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और इसका उद्घाटन करने और सियासी लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर आए। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसकी शुरुआत और स्वीकृति समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उसी समय पूर्वांचल एक्सप्रेस की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृत हुई थी, धन उक्त हुआ था और उसी समय से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका उद्घाटन करने के लिए और उससे अपना लाभ लेने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब आए थे। लाख प्रयास के बाद भी कुर्सियां खाली रही हैं, सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया, उनको तरह तरह के साधनों को जुटा करके उसके बाद भी। अयोध्या धाम से चित्रकूट के लिए भारत यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में 200 से अधिक साधु संत शामिल हुए। 5 दिन की यात्रा में अयोध्या से निकलकर कई जिलों से होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी। इस दौरान राज्य में स्थान पर रुक रुक कर साधु संत भगवान राम और भारत के बीच के प्रेम संबंधों का बखान करते हुए मंदिर निर्माण का संदेश देंगे। दरअसल ये यात्रा 48 सालों से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणि रामदास छावनी से वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अर्चन के बाद भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप में भारत यात्रा रवाना किया जाता है। समाज में भारतीय प्रेम और समरस की भावना जागृत हो, इसको लेकर जो है प्रत्येक वर्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मणि रामदास छावनी से यह यात्रा प्रारंभ होती है और चित्रकूट तक जाती है। इस बार यह 21 नवंबर से 25 नवंबर तक यात्रा चलनी है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से साधु संत श्रद्धालुगण सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि समाज में जो एक भावना जागृत है वह संबल उसको प्राप्त हो, उस भावनाओं को कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से एक सूत्र में बांधा जाए और घर परिवार जो है वह एक रहे, जैसा प्रेम जो है भरत और राम में था। राम और भरत जी के इस अकाट प्रेम को जो है बल प्रदान करने के साथ पारिवारिक बल प्रदान होता है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की यात्रा का जो आयोजन हो रहा है वह बड़ा ही
सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा उससे। और आज जो है यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ से नंदीग्राम पहुँचेगी, नंदीग्राम के बाद फिर जो है कुशभावनपुर पहुँचेगी, प्रयागराज पहुँचेगी, वहाँ से फिर चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेगी। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज की जो यात्रा है, यात्रा का उद्देश्य है जन जन के अंदर समता और समरसता स्थापित करना। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के आदर्श के द्वारा दर्शाया गया भाई से भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, माता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए हम भरत यात्रा कर रहे हैं। भरत यात्रा का लक्ष्य है भरत जी के प्रेम के द्वारा सारे समाज में प्रेम होगा, समाज संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, और जब परिवार संगठित होगा, समाज संगठित होगा, तो राष्ट्र संगठित होगा, राष्ट्र की उन्नति होगी। राष्ट्र फरुखाबाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष क्रांति पाठक ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कहा कि वो संस्था के जिलाध्यक्ष हैं और जनपद में सभी कार्यक्रम उनके ही नेतृत्व में आयोजित होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का आयोजन वो लोग करवा रहे हैं जो संगठन में निष्कासित है। आगे इस कार्यक्रम को लेकर जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हिंदू महासभा का नाम लेते कुछ अराजक तत्व ने एक अधिवेशन का आयोजन किया जिसको टाइटल दिया कि हिंदू अधिवेशन, ताकि मेरे शहर के लोग भ्रमित हो जाएं और समझ ही ना पाए कि ये है। तो इसलिए हमने उनको सिटी मिनिस्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया कि इसको समझें और इसको निरस्त करें, क्योंकि इसको कोरोना काल चल रहा है, इस समय कोई अधिवेशन ज़्यादा बड़ा बुलाना संभव नहीं है, और फिर हिंदू महासभा का नाम लेके आपको अधिवेशन बुलाने से क्या मतलब, जब आप हिंदू महासभा में है ही नहीं, हिंदू महासभा से आपका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, फिर आप हिंदू महासभा का नाम क्यों उछाल रहे हैं अपने आप? अगर आप अपने आपको राष्ट्रपति बनाने लगेंगे तो क्या राष्ट्रपति बने? अच्छा, इस तरीके का जो घटनाक्रम रहा, हिंदुत्व की बात की जाती है और जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो हिंदुत्व के नाम पे है, तो इसमें एकता की कोई कमजोरी तो नहीं नजर आएगी जब बाहर जो जाएगी कि आपस में एक नहीं, इस तरीके का अगर रहता है तो क्या घटनाक्रम रहा कि इसमें जो कुछ लोग अलग भी हुए हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो कोई अलग नहीं हुआ है, जो आए थे वो सिर्फ इसलिए आए थे कि वो एक दिन के लिए आए, और माननीय प्रदेश के युवा अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी को सिर्फ ये दिखा दिया उन्होंने फेसबुक पे कि हम अलग हुए, तो वो मेरे साथ कभी जुड़े थे ही नहीं, वो अपने आप आए। एक जन्मदिन समारोह था मेरे कार्यकर्ता का, उसमें सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के बाद अपने आप जुड़े। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यापुर बाईपास पर एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल के समीप एक शव बरामद किया गया है। किसी के द्वारा शव की शिनाख्त को हटाए जाने के लिए उसका चेहरा जलाने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बॉडी जो है वो है और उसको कुछ कपड़ा या पेट्रोल इत्यादि डाल करके उसका चेहरा जलाने का प्रयास किया गया है। सूचना पर तुरंत कोतवाली पुलिस और सभी अधिकारी खड़े यहाँ पर आए हैं और फील्ड की टीम को बुलाया गया है और वो लोग अपने साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और अभी इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति को 40 वर्षीय वयस्क है, इसको कहीं से लाया गया है और यहाँ डाल करके और इसको इसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया है। पूरी टीम हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सूचना मिली थी कि एक अज्ञात तो शव बरामद किया गया है और अयोध्या से ये खबर सामने आई है जहां शव का चेहरा जलाकर उसकी शिनाख्त यानी पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यापुर बाईपास पर एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल है उसके पास का है, जहां से शव बरामद किया गया है और किसी ने शव की शिनाख्त को हटाने के लिए उसके चेहरा जलाने का प्रयास भी किया है। तो अब शव की शिनाख्त की जा रही है, हालांकि पुलिस फोर्स ने
पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और आईएस से ये खबर सामने आई है जहां शव को जलाने का प्रयास किया गया है, शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है और शव बरामद किया गया है जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। औरैया से ये खबर सामने आई है जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि इस तरीके का एक शव मिला है जहां शव का चेहरा भी जलाने की कोशिश की गई है, तो पुलिस पूरी फोर्स के साथ पहुंची। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं औरैया से। जाहिद, क्या है पूरा मामला, पुलिस किस तरह से जांच कर रही है? जी मैं आपको बता दूं, जो औरैया दिव्यापुर रोड का मामला दिल्ली पब्लिक स्कूल के नजदीक एक शव सुबह जला हुआ मिलता है, आज जला हुआ शव, जिसकी सूचना या मोहल्ले वालों के जरिए से पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते सबकी शनाख्त के लिए लोगों को बुलाया, प्रयास किया जाता है। वहीं पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी जाती है। तो अभी तक क्या शनाख्त हो पाई या नहीं शव की? अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई है सबकी, वही पुलिस जाँच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया मैं सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जाहिद जुड़े थे औरैया से। बुलंदशहर के गांव चांदपुर में जहां एक तरफ जिले में बढ़ते प्रदूषण के कारण जिला प्रशासन की सख्त हिदायत के बावजूद खुलेआम पराली जलाई जा रही है, वहीं खेत में जलती पराली से उठता धुआं सीधा वातावरण को दूषित कर रहा है। हालात ये है कि जिले में लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, तो वहीं लोगों के गले में खराश जैसी समस्या भी सामने आ रही है। फरुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली मोहल्ला मछली टोला में अज्ञात कारणों से मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से लाखों की दवाई जलकर राख हो गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ कोतवाल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आग पर काबू पाया। हरदोई के हरपालपुर कस्बे के सदर बाजार में पत्नी और बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सराफा व्यापारी ने पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सबके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में तीन शव मौजूद है, एक महिला उनकी करीब 6-7 साल की बच्ची और एक पुरुष जो कि हैंगिंग स्टेज में लटके हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस टीमें तत्काल मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना किया है, सारे तथ्य जुटाए गए हैं, सारे सबूत जुटाए गए हैं। इस घर के मुखिया हैं सुधीर शर्मा, जिन्होंने ही पुलिस को ये सूचना दी थी और उनकी तहरीर के मुताबिक, मौका मुआयना के मुताबिक और जो यहाँ पे लोगों में चर्चा है, जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक ये अनूप शर्मा, उनकी पत्नी दीपा में काफ़ी दिनों से घरेलू विवाद था, करीब 6-7 साल शादी के हुए हैं, बराबर झगड़े होते थे, कभी कभी अनूप शर्मा शराब पीने के भी आदि बताए जा रहे हैं, ज़्यादातर पीते रहते थे। इस तरह की सिचुएशन इनके घर में थी। फिलहाल जो मृतक के पिता हैं उनकी तहरीर को मद्देनज़र रखा जा रहा है, उनके अनुसार घरेलू विवाद के कारण ये दुखद घटना हुई है। इसमें हम लोगों ने भी जांच पड़ताल पूरा कर लिया है, बाकी और जो शेष जांच पड़ताल होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।